हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आई और उसके बाद बड़ा अच्छा और खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो 3-4 महीने की मेहनत थी सीटेट के बच्चों को पढ़ाने की, चाहे वो ऑफलाइन क्लास में हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप और फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से स्टडी मटेरियल देना हो, या फिर पूरे भारत में ऑनलाइन से लेकर के बाई कोरियर बच्चों को नोट्स पहुंचाने हो, उन सब का रिजल्ट आज हमें महसूस हुआ। दोस्तों, काफी सारे सेंटरों के अंदर हमारे बच्चे पहले भी अलग अलग सेंटरों में पढ़ते रहे हैं और हमारे पास भी रहे हैं, लेकिन आज बच्चों के मैसेज देखकर बड़ा अच्छा लगा। ज्यादातर लोगों की अगर देखते हैं तो सीटेट के बारे में अलग अलग विचार आएंगे, क्योंकि आज आंसर की आई है, बच्चों ने अपने नंबर चेक किए हैं, एक दो दिन बाद आपके ऑब्जेक्शन 3 दिन तक चलेंगे, फिर फाइनल आंसर की आएगी और फिर आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन अब तक के रिजल्ट के आधार पर 257 बच्चे, दोस्तों कम नहीं होते, बहुत से क्लासेज में तो इतने बच्चे पूरे भी नहीं होते हैं, 257 बच्चों ने हमारे सीटेट क्लियर किया है। इस वीडियोज में मैं काफी बच्चों को आपको दिखाऊंगा भी और आने वाले समय में उन सबको लाइव करके सेमिनार करेंगे। एक सेमिनार दिल्ली में होगा, एक सेमिनार गुड़गांव ब्रांच में होगा और एक सेमिनार नोएडा में होगा। इन सभी बच्चों से आपको मिलाया भी जाएगा और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों का स्कोर रहा है। सीटेट का रिजल्ट हमने हमेशा देखा है, लेकिन अब की बार जो खुशी है वो बिल्कुल अलग तरीके की है, क्योंकि 50% बच्चे इनमें से वो हैं जो या तो ऑफलाइन क्लासेज में थे या जिन्होंने केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक मटेरियल को लिया था। उसके बाद जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं उन लोगों का रिजल्ट भी आपको दिखा है। तो आइए उन बच्चों को एक बार देखते हैं, उनके मैसेजेस, क्योंकि आज ही जब हमने आंसर की का बताया तो बच्चों के मैसेज शुरू हो गए। लगभग 7,500 से 8,000 बच्चों के मैसेज धीरे धीरे करके हुए, जिससे व्हाट्सएप भी क्रैश हुआ, लेकिन चलो वो तो एक अलग बात है। तो आइए देखते हैं किन किन बच्चों ने क्या क्या स्कोर अपने बताए हैं। सबसे पहले इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये रिंकू कुमारी, हमारी सीटेट 2019 बैच की, इसने कहा कि थैंक यू सर, आई चेक्ड द रिजल्ट सीटेट आंसर की एंड गोट 109 नंबर मुझे प्राप्त हुए हैं टीजीटी एसएसटी के अंदर। एसएसटी खुद मैं करवाता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी वीडियो लाखों लोग देखते हैं, एक एक वीडियो में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है। दूसरी तरफ ये हमारे एक स्टूडेंट है जो K20 के नाम से, क्योंकि ए से लेकर के और जेड तक सभी डिजिट फुल हैं, इसलिए बच्चों को इस तरीके से व्हाट्सएप के लिए सेव करना पड़ता है। इसने कहा कि सर मुझे 91 नंबर मिले हैं और मैं ओबीसी में हूं, ओबीसी का जो पासिंग मार्क्स आपको पता वो 82 है, तो ओबीसी यहां निकल जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट तो नहीं है बट 99.9% ये फाइनल ही है, क्योंकि कोई भी चेंज होने के चांसेस आगे मुझे भी नजर नहीं आते और होता भी आमतौर पर ऐसा नहीं है। तीसरे बच्चे की तरफ देखते हैं, ये हमारा गौरव कुमार है, हमारे क्लासरूम का स्टूडेंट है। ये कहता है कि सर 99 नंबर मुझे पेपर 2 में मिले हैं और 92 मुझे पेपर 1 में मिले हैं, तो ऑटोमेटिकली पास ये होता है। इधर हिमांशु है जो साइंस ग्रुप का है, टीजीटी साइंस का है, ये कहता है कि सर मैं ओबीसी में हूँ, एससी में हूँ और मुझे 85 मार्क्स मिले हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी रिजल्ट निकल रहा है। इधर एक एसएसटी का बच्चा, ये गुड़िया है, लड़की है, तो हम चाहते हैं कि किसी बच्चे की प्राइवेसी का हनन ना हो, इसलिए हमने इनके फेस को थोड़ा सा ये छुपा दिया है ताकि बच्चों की भी प्राइवेसी ना भंग हो और दोस्तों को पता भी चले। पेपर 1 में इस बच्चे के 110 नंबर आ रहे हैं और पेपर 2 में इसके 105, आप देख सकते हो। और ये रिजल्ट देखते दोस्तों कैसे बनता है, इतना आसान नहीं होता है सीटेट जैसे एग्जाम के अंदर रिजल्ट को निकालना, क्योंकि यहां पर आप लोगों को पेडागोजी के पोर्शन है। सिर्फ स्टडी पोर्टल या फिर डॉक्टर विजय, मेरी जो क्लासेज हैं, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, मैं ही एकमात्र ऐसा हमारा चैनल है जो ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को पूरा मटेरियल देता है। अगर हमारी सीटेट में देखोगे, अगर हिंदी की बुकलेट जाएगी तो हिंदी की पेडागोजी भी देंगे, इंग्लिश की जाएगी तो इंग्लिश की पेडागोजी भी होगी, सीडीपी अगर क्वेश्चंस में भी मिलेगी और कंप्लीट थ्योरी में भी मिलेगी, अगर मैथ की बुकलेट होगी तो मैथ की पेडागोजी भी होगी, साइंस अगर होगी तो साइंस की पेडागोजी भी होगी, एसएसटी देते हैं तो एसएसटी की पेडागोजी देते हैं, तब जाकर के रिजल्ट बनता है।
नॉर्मली 2 दिन यूट्यूब पे आकर के बच्चों को थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट करना अच्छा तो लगता है, लेकिन रिजल्ट इतने आसान नहीं होते हैं। तो दोस्तों जब भी जहां भी मेहनत करें, चाहे QVS हो, चाहे CTET हो, चाहे DSSB हो, चाहे NVS हो, चाहे UGC NET हो या UPSC जैसे एग्जाम हो, जहां भी मेहनत करें वहां सोच के करें कि क्या यहाँ पर आपका स्कोर बन सकता है। मैंने खुद दो दो बार UPSC को क्रैक किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया और लगभग 10 साल, वहां 10वां साल मुझे इस लाइन में है। कोचिंग में पहले पढ़ाया, फिर कोचिंग किए और अब लाखों बच्चे हर साल जो निकलते हैं तभी जाकर के रिजल्ट इतने अच्छे से आ पाते हैं। और ऑनलाइन भी मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के 40 लेक्चर आपको दिए, EVS की पैडागोजी पूरी करवाई, मैथ की पैडागोजी के 38 लेक्चर आपको दिए, हिंदी की पैडागोजी पूरी करवाई, इंग्लिश की पैडागोजी करवाई, SST की पैडागोजी करवाई, 90 नंबर तो CDP और पैडागोजी के ही होते हैं। तो ये रिजल्ट आपको यहां पर नजर आता है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। उसके बाद ये हमारा एक और बच्चा, ये भी गुड़िया है हमारी, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा फेस को वो किया है। तो यहाँ पर इस बच्चे के 94 बनते हैं, ऑटोमेटिकली पास है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ये बच्चा OBC का है, जिस पूजा CTET के नाम से हमारी उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट है, हमारी पुरानी जो गुड़गांव ब्रांच में थी, तो इसको 86 मार्क्स मिले हैं OBC में, तो ऑटोमेटिकली पास है। सेकेंड बार में इसका आपकी बार क्रैक हुआ है। बच्चे जब हिम्मत नहीं हारते हैं तो रिजल्ट उनको मिलता ही मिलता है। ये हमारा हिमांशु है जो अभी आजकल PGT की भी तैयारी कर रहा, साथ में इसका CTET भी इसने दिया था। इसने कहा कि सर 110 नंबर मुझे सेकंड लेवल में मिले हैं, TGT का इन्होंने दिया था और सिर्फ स्टडी पोर्टल की टीम का इसने धन्यवाद यहाँ पर किया है। हम इसको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आकांक्षा हमारी CTET PRT की बच्ची थी, इसको भी अगर आप देखोगे यहाँ पर 110 नंबर, 100+ का दावा मैंने किया था और ये तो कुछ सिलेक्टेड से बच्चों के हैं। अभी शाम को जब रिजल्ट आई उससे लेकर के और मेरे पास 10:55 तक रात तक 257 बच्चों का क्लेरिफिकेशन आ चुका है, मैसेजेज और कॉल आ चुके हैं कि हमारा हो गया है। और मुझे उम्मीद है सुबह सुबह और कल दोपहर तक पहुंचते पहुंचते और करेक्शन के बाद ये आंकड़ा 500 पार होगा, ये हम लोग मान के चलते हैं और होना भी चाहिए। रिजल्ट आएगा तभी बच्चों को थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ये आकांक्षा का रिजल्ट आपने देखा। इधर TGT SST का हमारा स्टूडेंट है, इसके 97 जनरल में है, 90 में पास आउट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दीपक या SST का बच्चा हमारा है, 101 नंबर इसको यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, इसको भी बधाई। उधर नेहा पहल जो है मैथमेटिक्स की बच्ची थी TGT में, इसको भी यहाँ पर 110 तक का स्कोर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ भी ये हमारी मेहनत को सलाम देते हैं तो हम भी इनकी मेहनत को सलाम देते हैं। हमारी सिर्फ गाइडेंस है, मेहनत आप बच्चों की है। यहाँ पर एक बच्चा हमारा है, ये कहता है कि पेपर 1 108 बन रहे हैं और पेपर 2 में 104 बन रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बन रहे हैं, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल आंसर की ही चला करती है, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद हमारा हमेशा आप लोगों पर बना रहेगा। उधर देखिए एक और बच्चा हमारा PRT का है, जो पेपर 1 में 85 और पेपर 2 में 83 बता रहा है, OBC है, 82 में पास आउट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तमिलनाडु की हमारी बच्ची है सिंधु, सिंधु जो PGT की है, KVS भी इन्होंने दिया था पिछली बार भी, अब इनका CTET पेपर 2 में 99 बन रहे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली पास है। उधर और बच्चे देखिए आप लोग, ये हमारा एक स्टूडेंट है जो SST का है, इसने कहा कि सर 89 है, मैं OBC कैंडिडेट हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। और ये कहता है कि आई प्रिपेयर्ड इट थ्रू द PDF नोट्स ऑफ स्टडी पोर्टल, हम काफी सारे बच्चों को चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर जैसे आप लोग Y40 देखोगे, ये इसलिए सेव किया क्योंकि ए में 1 से लेकर के 256 तक चले, फिर बी में 1 से लेकर के 256 ताकि ब्रॉडकास्ट मैसेज हो सके, फिर जेड आया, फिर उसके बाद जेड ए हुआ, जिस तरीके से ए बी हुआ, इस तरीके से जैसे व्हीकल नंबर होते हैं उस तरीके के 3 मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे हमारे पास लगभग 1,07,000 के आसपास बच्चे फिलहाल व्हाट्सएप पे अलग अलग उसमें जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। ये मंजू हमारी स्टूडेंट है CTET PRT की, इसने कहा कि सर 85 बन रहे हैं, इनसे अलग 5 क्वेश्चनों पे मुझे डाउट है, ऑब्जेक्शन करने वाली है, SC है, वैसे भी पास आउट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भारतीय हमारी स्टूडेंट है दिल्ली से, इसने कहा कि सर मुझे 89 मिल रहे हैं मार्क्स, नहीं सॉरी 98 बन रहे हैं पेपर 1 में, तो ऑटोमेटिकली पास है, चाहे जनरल हो चाहे फिर ऐसे रिजर्वेशन में हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इधर ये हमारा स्टूडेंट है एक नवीन जो PRT का है, ये कहता है कि थैंक्स अलोट सर, आई अचीव्ड 109 मार्क्स इन पेपर 1, इसको 109 नंबर मिले हैं, नवीन को हम लोग बधाई देते हैं। और ये कहता है कि आपकी गाइडेंस से हुआ है सर, नोट्स और वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारा आप लोगों के साथ साथ हमेशा बना रहेगा।
यहाँ देखिए हमारा एक स्टूडेंट बोलता है कि 104 नंबर आए हैं सर, वीडियोज और स्टडी मटेरियल के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति हमारी एक स्टूडेंट है जो सीटेट पीआरटी की है, ये कहती है सर 90 नंबर मुझे मिल रहे हैं, मैं पास हूँ या फेल हो जाऊंगी। दोस्तों ये बेटा आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर कम होने के चांसेस रेयर ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का पासिंग मार्क्स आराम से आपके पास है। आकाश हमारा स्टूडेंट डेली का है, ये कहता है कि सर मुझे 90 नंबर मिल रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको भी पास आउट में ही रखा जाएगा। देवेंद्र यादव हमारा स्टूडेंट है, 103 नंबर पीआरटी में मिल रहे हैं, इसको भी बधाई। इधर देखिए एक और बिहार से हमारा स्टूडेंट है, ये कहता है कि सर ओबीसी में 97 है, मैं पास हो जाऊंगा। पास हो नहीं जाओगे, आप पास हो चुके हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ से मेरे हिसाब से 25-26 लोगों को तो आपको मिलवा दिया होगा, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, टेलीग्राम से लेकर के फेसबुक तक सारे के सारे 257 बच्चों की मैं अभी लिंक करूंगा थोड़ी देर में, और कल तक इनका आंकड़ा अगर ज्यादा बढ़ता है, मुझे लगता है कि 450 बच्चे हो जाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट से भी और बाहर से भी, तो ऑटोमेटिकली इन सभी का स्कोर मिला करके आप लोगों को लाइव डिस्कशन भी करवाएंगे, वीडियोज पर भी लेके आएंगे, और जो 3 सेमिनार हमारे होंगे एनवीएस के एग्जाम से पहले पहले करवा दूंगा मैं चाहता हूँ कि जगह पर फाइनल रिजल्ट आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहे, बच्चों को कॉन्फिडेंस रहे, तो उस समय आप सभी के मिलाएंगे भी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उम्मीद है लगभग 5 से 6 हजार बच्चे उस सेमिनार में अब की बार भी जुटेंगे पिछली बार की तरह। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, अगर किसी साथी को आने वाले एग्जाम के लिए अगर तैयारी करनी है, आने वाला एग्जाम जो भी आपका है उसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है, चाहे एनवीएस का फॉर्म हो आप भर दिया, आपने नहीं भरा तो भर देना, चाहे केवीएस का एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का एग्जाम हो, आप सारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, सेंटर के साथ भी जुड़े रहिए, और इस नंबर पर कॉल करके ऑल ओवर इंडिया में 29 के 29 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेश, पूरे भारत के अंदर जहां भी चाहिए आपको स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं, कोरियर के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाया जाता है। हिंदी मीडियम चाहिए वो मिलेगा, इंग्लिश मीडियम चाहिए वो मिलेगा, जनरल पेपर चाहिए वो मिलेगा, सब्जेक्ट कंसर्न चाहिए वो मिलेगा, कंप्लीट मटेरियल आप लोगों को देने का हम लोग काम भी करते हैं, ताकि आप लोगों को जो बच्चे महंगे शहरों में नहीं आ सकते, महंगी फीस पे नहीं कर सकते, बड़े शहरों में रह नहीं सकते, रूरल एरियाज में है, रिमोट एरियाज में है, उन लोगों को हर तरीके की सहायता पहुंचाने का हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है उसे हम हमेशा निभाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने मार्क्स आप बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ लोग आ जाएंगे ये कहने वाले ऐसे तो ये तो व्हाट्सएप मैसेज, इनसे क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो दूसरे सेंटरों और चैनलों के एजेंट के रूप में आकर के अलग अलग जगह माहौल खराब करते हैं, ऐसे दोस्तों को हमारे यहाँ तरफ से और ज्यादा भी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद।